pushpa 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 pushpa. झुकेगा नहीं साला। तो फाइनली दोस्तों एक बार फिर से सुपरस्टार आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 मूवी ने गदर काट दिया है। जिस तरह से इस मूवी का पहला सॉन्ग भी रिलीज हो चुका है और जिस तरह से इस मूवी के हिंदी थिएटरिकल राइट्स को सोल्ड आउट किया गया है, अपने आप में कई सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। और सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, यहाँ तक के प्रभास के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है इस मूवी ने। तो कुल मिलाकर पूरे साउथ इंडस्ट्री की बात करें या फिर पूरे बॉलीवुड की बात करें तो फिलहाल पुष्पा 2 के सामने कोई टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। और फिलहाल ऐसा लगता भी नहीं कि हाल के दिनों में पुष्पा 2 मूवी के रिकॉर्ड को कोई तोड़ भी पाएगा या इसके नजदीक भी जा पाएगा, क्योंकि इस मूवी के हिंदी थिएटरिकल राइट्स को पूरे 200 करोड़ रुपए में बेचा गया है, जो कि इंडियन सिनेमा के इतिहास का अब तक का सबसे महंगा प्राइस है। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा 2 मूवी के पहले सॉन्ग को भी रिलीज कर दिया गया है, जो कि इस मूवी का टाइटल सॉन्ग है। और जिस तरह से पुष्पा पार्ट 1 में हमें एक गाना सुनने को मिला था, हे बेटा ये मेरा अड्डा, ऐसे ही पुष्पा 2 मूवी का पुष्पा 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 वाला गाना भी है, जो कि हीरो को जस्टिफाई करने के लिए, हीरो को बड़ा दिखाने के लिए, उसके ताकत को और उसके रुतबे को जस्टिफाई करने के लिए बनाया गया है। और जब ये गाना हमें रील में सुनने को मिलता है तो और भी ज्यादा मजा आता है। और जिस तरह से इस सॉन्ग के आखिर वाले सीन में अल्लू अर्जुन का स्टाइल और उनका स्वैग देखने को मिलता है, वो तो सबका दिल ही जीत लेता है। और जिस तरह से उनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस पुष्पा 1 में हमें देखने को मिली थी, यही रीजन था कि उनके कई सारे नए फैंस उनके एक्टिंग के दीवाने हो गए थे। और अगर बात करें पुष्पा 2 मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की और रिलीज डेट की, तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि पुष्पा 2 मूवी बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, या फिर KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बात करें पुष्पा 2 मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की और रिलीज डेट की, तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इस मूवी के सभी राइट्स को सोल्ड आउट कर दिया गया है और इस मूवी ने रिलीज से पहले 1,000 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। जिसका मतलब यह है कि अगर पुष्पा 2 मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी हो जाती है तो मेकर्स को 1 रुपए का घाटा भी नहीं होगा, बल्कि वो बहुत ही बड़े मुनाफे में बैठे हैं। लेकिन पुष्पा 2 मूवी के क्रेज को देखते हुए ये तो कंफर्म है कि ये मूवी 1,000 करोड़ से लेकर 1,500 करोड़ तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आराम से कर सकती है।